अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हो? हाँ, वो मैसेज नहीं देखा था मैंने तुम्हारा। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी ना। अब्बू की बरसी भी आने वाली है। वैसे तो मैं रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ के अब्बू को साले सवाब कर देती हूँ। यही तो वो तोहफा है जो हम अपने मरहूमीन को दे सकते हैं। तुम बताओ, एडमिशन का क्या बना? चलो ठीक है, मैं चाचू से बात करती हूँ, अगली दफा दोनों साथ जाएंगे। क्या करें अब, वो दुकानों का किराया आ गया। हाँ पुत्री, आ गया है। और लेकिन मैंने तो उसको शाहिद को कह दिया कि वो दुकानदारों को किराया बढ़ाएं, और पिछले 2 साल से वही किराया दे रहे। बिल्कुल सही किया आपने अबू। अबू, आपको मेरी दोस्त याद है ज़ारा? उस दिन घर भी आई थी वो पतली सी जो थी। हाँ जी, हाँ हाँ याद है। क्या हुआ उसे? आपको पता है उसने नया मोबाइल लिया, और वो इतना अच्छा फोन है ना, उसके कैमरे का रिजल्ट पूछे ही मत, इतना जबरदस्त रिजल्ट है उसका। अच्छा, मुझे भी वो फोन चाहिए। तुमने क्या करना है बेटा, तुम्हारे पास है तो सही फोन। अबू, मेरे वाला फोन पता नहीं कब लिया था, इतना पुराना हो गया, नया फोन ले दें प्लीज। अच्छा पुत्र, ले दूंगा। कितने का है? बस यही 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल? इतना महंगा क्या करना है बेटा? वो आजकल के दौर में ना अच्छा फोन इतने में आता है, और ये कोई महंगा फोन नहीं आपको लग रहा है वो। लेकिन मेरी बर्थडे भी आ रही है ना नेक्स्ट मंथ, आपने मुझे कोई ना कोई तो गिफ्ट देना है, तो प्लीज मोबाइल ले दें प्लीज। बेटा बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए, कोई छोटा ले लो, 40-50 हजार वाला। वो मेरे सारे दोस्तों के पास है, वो क्या सोचेंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ आपकी, और मेरे पास पुराना फोन और उनके पास नए फोन, वो कुछ सोचे ख्याल करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ले 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 दूंगा, ले ले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फोन है। चाचू, मसरूफ तो नहीं है, मुझे एक बात करनी थी। हाँ कहो कहो, क्या? चाचू, वो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। आज मेरी दोस्त की कॉल आई थी, कह रही थी कि कल से एडमिशन स्टार्ट है, मुझे आपसे एडमिशन फी के हवाले से बात करनी थी। क्या मेडिकल कॉलेज? तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगी? तुम्हें पता है कितनी महंगी है वहाँ की तालीम जो है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पर ये जो तुमने जितना पढ़ लिया, मैं तो कहता हूँ यही बहुत है। हेमंत को देखो ना, अरे इंटर किया इसने और बेहतरीन है। बिल्कुल चाचू, आगे ना पढ़ने का फैसला हेमंत का खुद का था, इसे तो शुरू से ही पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। क्या कहना चाह रही हो तुम, कि मैं नालायक हूँ और तुम बहुत लायक हो? ईशान, तुम खुद को समझती क्या हो? हेमंत, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हारे सारे मतलब अच्छी तरह से समझती, तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ती जहाँ मुझे खुद से कमतर साबित ना कर दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आइंदा अगर मेरे साथ इस तरह से बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सारा मूड ही खराब कर देती हो। चाचू, वो मेरे एडमिशन की फी? अभी तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वहां जा रहा हूँ, वापस आके बात करूंगा। ये अखबार अंदर रखवा देना। अबू का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं जोहे, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आज तक मुझे वो वक्त याद है जब अबू ने चाचू को अपने कमरे में बुलाया था। बहुत बीमार थे,
शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके पास वक्त कम बचा। मुझे उनका एक एक लफ्ज याद है सुहेल। अबू ने चाचू को दुकानों के और घर के पेपर्स दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि सफदर आज से ईशल तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना क्योंकि अब वक्त मेरे हाथों से फिसल रहा है। अबू चाहते थे कि मैं भी अम्मी की तरह मेडिकल करूं, और सच पूछो तो मेरा भी यही ख्वाब। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में बूढ़ा हो जाऊंगा यार। मैं तो सोचा था अम्मी से बात कर लूं। सुहेल तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। तो दोगे ना मेरा साथ? मजाक कर रहा था भाई, दूंगा ना साथ, तुम फिक्र क्यों करती हो। जिंदगी के हर लम्हे में तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम किचन में क्या कर रहे हो? अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। हाँ मैं जा ही रहा था। मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो, और हाँ डिनर में बिरयानी और शामी कबाब बना लेना, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। बिरयानी तो मैं बना दूंगी ईमान, लेकिन शामी कबाब बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। इशार, जब भी मैं कोई काम कहती हूँ तुम इसी तरह से बहाने करती हो, हालांकि अब्बू ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, पर तुम्हें इस बात का कोई लिहाज नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नाराज ना हो, मैं बना दूंगी। शुक्रिया, आप चाय दे देना, वहीं बैठी हूँ। स्टेट एजेंट ना मुझे बता रहा था कि अगर हम ये प्लॉट ले लेते हैं ना, कल को इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। कह रहा था आपको बहुत फायदा होगा, बहुत आला प्लॉट है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, दुकानें बेच के ना ये प्लॉट तेरे नाम पे ले लूं। अबू जान, आपको जो सही लग रहा है ना आप वो करें। अब वही तो कर रहा हूँ मैं। चाचू आपने बुलाया था मुझे? हाँ ईशल आओ ना बेटा, इधर आओ मेरे पास बैठो, इधर आओ शाबाश, इधर बैठो। ये बेटा साइन करने है इधर यहाँ पे। चाचू ये किस चीज के डॉक्यूमेंट्स? ये वो दुकानें है ना अपनी, वो बेच रहा हूँ बेटा। तूने मेडिकल में एडमिशन लेना था ना, अब वो खर्चे कहाँ से पूरे करता मैं। तो मैंने कहा दुकानें जरूरी नहीं है, तेरा मेडिकल में एडमिशन लेना जरूरी है। तो मैंने कहा इसको बेच देता हूँ मैं। जब से तेरा बाप मरा है सारा कुछ मैंने तुझे संभाला है बेटा, घर दुकाने बिजनेस। याद है तू 10 साल की थी छोटी सी, अब ये 3 भतीजे के सर पे मैं हाथ नहीं रखता तो कौन रखता। तुम बिल्कुल लेमन की तरह हो। अच्छा ना छोड़ो इन बातों को, तुम ये साइन करो, तुम्हारा एडमिशन बहुत जरूरी है। हाँ दुकाने फिर आ जाएंगी, इधर यहाँ पे साइन कर। जीती रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे। विशाल बेटा सबका मुंह मीठा करवाओ ना। पुप्पो जान अब बता भी दें कि मिठाई किस खुशी में लाई है। लो भला तुम्हें पता ही नहीं, जोहेब ने तुम्हें नहीं बताया। अरे बेटा इसकी ऑफिस में प्रमोशन हुई है ना। अच्छा कंग्रेचुलेशंस। जबरदस्त भाई, जोहेब तुमने बताया नहीं भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक हो जान, थैंक यू। भाई परवीन मैं तो कहता हूँ कि अब ये फर्ज भी ना अदा कर ही दो, बहू ले आओ घर में कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सफदर भाई, मैं भी आजकल यही सोच रही हूँ। हाँ देखो ना वक्त का कोई पता होता है। अब देखो ये तुम्हारा इकलौता बेटा है, ना कोई आगे पीछे बहन भाई, तो खुदा ना खास्ता बुरा वक्त किसी वक्त भी आ सकता है। तो देखो ना ससुराल वालों की बैकिंग होनी चाहिए, है ना, तो बंदे को ना जरा तसल्ली रहती है, हौसला हो जाता है आदमी का। सही कह रहे हैं आप। अब देखो मैंने क्या किया, एमन के लिए ना
मैंने अभी से एक प्लॉट लेके रख लिया, करोड़ों रुपए का है। ओहो जबरदस्त, तुम और जोहेब चलना ना किसी दिन, दिखा के लाऊंगा मैं। कॉर्नर प्लॉट है, बेहतरीन, जबरदस्त, करोड़ों का। अरे क्या, चलो इसके और इसके शौहर के काम आएगा। डन मामू जान, जरूर चलेंगे। जी जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे बेटा, भाई साहब को मिठाई नहीं, नहीं बस मैंने खा ली, बहुत बहुत वाह बेटा। जोहेब जी। अम्मी। बेटा ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे कुछ चीजें लेनी है, मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। अम्मी आपको पता तो है मुझे शॉपिंग वगैरह नहीं पसंद, नहीं होती ना मुझसे। अच्छा अम्मी, वो मैं क्या कह रहा था कि मामू कह रहे थे ना उस दिन कि आपको बहू ले आनी चाहिए, आपका भी हाथ बढ़ जाएगा और मुझे भी ये शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो बेटा। अम्मी वो, हाँ हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो? मामू क्या है ये बात करना? सच सोहेब, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी ना इमन के बारे में ही सोच रही थी। अम्मी मैं इमन की बात नहीं कर रहा, मैं इशाल की बात कर रहा हूँ। क्या इशाल? इशाल कहाँ से बीच में आ गई? क्या मतलब कहाँ से बीच में आ गई? जब मैंने शादी इशाल से करनी है तो मैं इशाल की ही बात करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सोहेब, तुम तो बिल्कुल ही बेअकल हो गए हो। अरे इशाल से शादी करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, खाक? एमन से शादी करोगे ना तो भाईजन घर तुम्हारे नाम कर देंगे, और तुम्हारे सामने उन्हें बताया था ना कि उन्होंने एमन के नाम कीमती प्लॉट भी लिए हुए। इस वक्त अकल से काम लो, जज्बात से नहीं। अम्मी मैं रिश्ता कर, बिजनेस नहीं, कि फायदा और नुकसान देखो। मैं शादी करूंगा तो इशाल से, समझ लीजिए आप। सोहेब, वो मुझे तो पहले से ही शक था कि जो इशाल पढ़ाई के नाम पर घंटों कमरे में बंद रहती है ना, सोहेब से बातें करती है। इसने धूल झोंकी है पुप्पो हमारी आंखों में। मुझे भी इसी बात का डर है, कहीं सोहेब इशाल के चक्कर में घर ही ना छोड़ दे। पुप्पो, सोहेब तो आपकी हर बात मानता था, फिर क्या हुआ? पता नहीं अमन, मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। आप माने ना माने, ये सारा ना इशाल का किया धरा, वो ही भड़काती होगी सोहेब को आपके खिलाफ, वरना सोहेब ने कभी आपसे इस लहजे में बात नहीं की। सफदर भाई का है, मुझे उनसे बात करनी है। मैं उनसे कहूंगी कि इसकी जल्द से जल्द शादी करे ताकि ये हमारी जान छोड़े। बिल्कुल सही है, करें बात आप। शायद आपा का फोन आया था, वो कह रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है, शरीफ और गरीब लोग हैं, बड़े मुखलिस हैं, बस नुमान की जॉब जरा ऐसी ही है, लेकिन गुजारा अच्छा खासा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, आप इशाल को अब और मत पढ़ाएं, उसकी शादी कर दें, आगे आपकी बेटी बैठी है, उसके बारे में भी तो आप ही नहीं सोचना है ना। तू ये चाय पी ना, बिल्कुल ठीक कह रही है तू परवीन, मैं भी पता यही सोच रहा था, इशाल की शादी करूं और सादगी के साथ और निकालूं उसको इस घर से। तुम तो जानती हो परवीन, इमन मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करनी है, ऐसी के जमाना देखेगा। तो और क्या भाई साहब, मैंने भी ना सोहेब की शादी पे सारे अरमान पूरे करने, बस आप इसकी शादी करवा के अपनी जान छुड़वाएं, वरना लोग क्या कहेंगे, कहेंगे जी यतीम भतीजी का ख्याल नहीं आया, अपनी बेटी के हाथ पीले करती है, अब लोगों की बातों पे तो। हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लोगों का क्या काम है, बातें ही बनाते रहते हैं और उन्होंने क्या करना है। बस आप ये काम जरा जल्द से। हाँ चल तू चाय पी, बड़े मजे की उसने बनाई है गरम गरम। हेलो सुहेब। ए तुम कब आई इमन? बस थोड़ी देर पहले, सारी बातें छोड़ो, पहले ये मिठाई खाओ। मिठाई? मिठाई की सूची में? तुम्हें नहीं पता इशाल का रिश्ता तय हो गया, बल्कि रिश्ता क्या, उसकी तो शादी तय हो गई। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो?
तुम्हें नहीं पता था? मुझे लगा ये शाल से इतनी दोस्ती उसने बताया तो होगा, नहीं बताया। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? शाल की पढ़ाई रहती है अभी, उसने डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं हो सकता, शाल शादी नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। अब जो मर्जी कर लो, ये शादी तो होकर रहेगी। चाचू आपकी चाय। हाँ इधर रख दो, रख दो। चाचू मुझे फीस जमा करवानी थी, कल आखिरी दिन है, आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं है? चाचू मुझे फीस जमा करवानी है। पैसे नहीं है का मतलब है कि पैसे नहीं है। तुमने खुद ही एडमिशन लिया ना मेडिकल कॉलेज में, मना किया था मैंने तुम्हें कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी महंगी तालीम को। तुमने सुनी नहीं मेरी एक बात भी? हर महीने आप तुम मेरा सर खाने आ जाती हो, पैसे दो पैसे दो, और नहीं है पैसे मेरे पास। खत्म करो ये अपनी पढ़ाई तुम। चाचू चाचू मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला है, मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी तैयारी की है मैंने, मैं बीच में अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हूँ? चाचू आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, जी 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 भाई, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं मुझे। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है डन करें, डन करें आप। जब तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट था तो तुमने मुझे क्यों आसरे में रखा? जब भी तुमसे शादी की बात किया करता था तुम मुझसे कहती थी कि तुम्हें पढ़ना है। कहाँ गई वो तुम्हारी पढ़ाई? कहाँ है वो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। Where is everything? क्या कह रहे हो ज़ुहेब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ से लड़ता रहा, नाराज किया मैंने उन्हें, तुमने मेरे साथ क्या किया? ये किया क्या तुमने मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। You know what? मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मम्मी कहती थी मुझे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफों के इसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हो, and she was absolutely right। और तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपनी माँ से लड़ता रहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तुम्हारी मम्मी मुबारक हो। ज़ुहेब, क्या कह रहा है ये? वो इशाल मेरी भतीजी है, मैंने ही उसे पाला है, मेरी यतीम भतीजी है, मैंने कफालत किया उसकी। और आजकल तो आपा इतना खून सफेद हो गया है कि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता, मुंह नहीं लगाता कोई आजकल। हाँ जी जी जी, भाई से किया हुआ आपा बस वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपा के सादगी के साथ ना इसकी शादी हो जाए, और ये घर से निकलेगी तो मैं दूसरी के बारे में कुछ सोचूंगा ना आपा। बस क्या करूं आपा, सारा खर्चा उसकी पढ़ाई पर लग गया है, कहीं ना कहीं से कर्जा पकड़ के ना उसके जहेज का कोई बंदोबस्त कर दूंगा। अच्छा चले आपा, आपसे बाद में बात करता हूं मैं। ओके ओके। ये मैं क्या सुन रही हूं चाचू? आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। तुम शायद भूल रही हो ईशान, जब भजन मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे ना, 10 साल की थी तुम सिर्फ, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है मैंने, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैंने किया है, तुम्हारी शादी का भी फैसला मैं ही करूंगा कि कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, समझी तुम? और ये हक आपको दिया किसने है? आपको अपने वो हक तो याद है जो आपके हैं ही नहीं, लेकिन अपने फराइज नहीं याद। खैर मैं आपसे कोई बहस करना ही नहीं चाहती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार है मुझे, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये क्या तुमने पढ़ाई 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 की जिद लगाई हुई है? बस खत्म तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई, अब तुम्हारी शादी होगी, मैं जुबान दे चुका हूँ। और जुबान तो आपने मेरे अब्बू को भी दी थी कि मेरे बड़े हो जाने के बाद आप मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दें, और अब अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ,
मैं सारी चीजें आप मेरे हवाले कर दे। क्या क्या कह रही है तू? ये सुना है अमन, ये क्या कह रही है? है? और ये मेरे सारे एहसानात भूल गई है? कौन से पैसे तेरे हैं? कुछ नहीं बचा, सब तुम्हारी पढ़ाई पे लग गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचू? अबू ने आपको दो दुकानें, एक घर और एक प्लॉट दिया था। तो सौंपी थी ना, अब तो नहीं है ना। दुकानें बेची नहीं मैंने, बेच के तुम्हारे मेडिकल का खर्चा नहीं दिया सारा। और तुम्हें पता है इस घर की जितनी कीमत थी ना, अरे उतना पैसा तो जब तुम बचपन में बीमार हुई थी ना तुम्हारे ऊपर लग गया था। कुछ नहीं बचा मेरे पास तुम्हारा। तो आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों की जायदाद आपने मेरी चंद माँ की पढ़ाई और कुछ दवाइयों पर लगा दी? कुछ तो खुदा का खौफ करें चाचू, ये बात करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? तमीज़, अभी तक तैयार नहीं हुए? नुमान के घर वाले निकल गए, अबू की भी बात हुई है, पहुंचने वाले हैं वो लोग। भाई ये रोना धोना बंद करो, इतने मेहमान घर पर आए हैं, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे एमन, ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई है। एमन, तो तुमने इसे तैयार क्यों नहीं करवाया? नीचे काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। कैसी बातें कर रही है शाल? बारात सर पे खड़ी है, हमारी इज्जत का तुम्हें कोई भी एहसास नहीं है? इतनी एहसान फरामोश हो तुम? कौन से एहसानात की बात कर रहे हैं आप लोग? ओए आहिस्ता बात करो, नीचे मेहमान आए हुए हैं सारे, कोई सुन लेगा? लोगों से डर लगता है आपको? अल्लाह से नहीं लगता? अल्लाह से डरे चाचू, आपने मुझ यतीम का हक खाया है। ये गुनाह आपकी दुनिया और आखिर दोनों बर्बाद कर दे। जो लोग यतीमों का हक खाते हैं ना, वो जहन्नुम की आग में जलते हैं। यहां तो मैं बेबस हूं, आखिरत में मैं बेबस नहीं होंगी। वहां पर आप मेरा हक छीन कर नहीं खा सकते, आपको जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। तो मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त ना कोई बहस नहीं करनी है, समझ आइए? तुम नीचे आओ तैयार होके, आज तुम्हारा निकाह है और शादी के अलावा ना कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी आओ नीचे। इशाल तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं जरा नीचे मेहमानों को देखती हूँ। सबने कहा अब हो जाओ तैयार, मैं भी नीचे जा रही हूँ मेहमानों के पास, पहन लो कपड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों को इतना साथ देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है बेटा। जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आमीन। ये क्या है बेटा? मामजान वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सोचा आपसे साइन करवाते। अच्छा अच्छा, हाँ लाओ बेटा दिखाओ। वो मेरे जरा ग्लासेस पकड़ देना बेटा, वहाँ उनके बगैर नजर नहीं आएगा मुझे। जी पता है, और कमजोर हो गई है नजर, अब कल सोच रहा था डॉक्टर के पास जाऊं दोबारा से चेकअप करवाऊं। हम ले जाएंगे आपको, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, आप एंजॉय करो, मैं चला जाऊं। लाओ बेटा। मामजान आई एम रियली सॉरी, ग्लासेस उठाते हुए गिर गए मुझसे, मैं कल बनवा दूंगा आपको। कोई 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 बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपको मैं बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ साइन करना है। ठीक है बेटा, ठीक है।
मुझे हाथ रख के बताओ। जी जी यहाँ जी जी सही ये ठीक है। जी जी ठीक है। एक एक यहाँ किधर इधर इधर यहाँ जी 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 कुछ नहीं नजर आ रहा है। आपने सही जगह किया। अच्छा शुक्रिया। अच्छा बेटा खुश रहो जहाँ भी रहो जिस दिन रहो। इतने दिनों से तुझे बुला रहा हूँ, तू आ जाई है। अब वो आपको नहीं पता पुप्पो का, वो कितना चिढ़ती है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। अब मेरा अपना घर है, मुझे वहाँ भी देखना होता है। अब मैं आपकी खातिर रोज रोज यहाँ आकर तो नहीं बैठ सकती। ठीक है बेटा, को क्या है, मुझे डॉक्टर पे ले जाए। कह दूंगी, जब उनके पास वक्त होगा ले जाएंगे आप। मैं अपना काम पे भी नहीं जा सकता, ना दुकानों को देख पा रहा, ना बिजनेस संभाल पा रहा हूँ। मैंने सोचा ये घर का जो पिछला हिस्सा है ना, इसके किराए पे दे देता हूँ, आमदन हो जाएगी, मेरी गुजर औकात हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप, जुहेब को पता चल गया ना बहुत गुस्सा करेंगे वो। वो क्यों गुस्सा करेगा, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं मैं। अब वो ये घर आपके नाम से जुहेब के नाम ट्रांसफर हो चुका और जुहेब कारोबार करना चाहते हैं इस घर को बेचकर। मेरा घर, मैं इसे तुम्हारे शौहर को हर किस नहीं बेचने दूंगा, वो क्यों बेचेगा मेरा घर। मेरा घर मेरा घर, ये क्या लगा रखा है आपने, आप भूल गए ये घर बड़े अब्बू का था और आपने धोखे से इशाल से ना ये लेकर अपने नाम करवा लिया। आपकी उम्र ही कितनी रह गई है, कल को भी तो ये चीजें मेरे नाम होनी थी ना, मैंने आज करवा ली, आप बिला वजह तमाशा कर रहे हैं। और पता है मुझे घर जाना चाहिए, सुहेब के आने का वक्त हो गया, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, फिर चक्कर लगाऊंगी मैं। भाई मेरी मेरी इशार से एक मरतबा बात करा दो, मुझे तो आज ही पता चला कि वो अपने शौहर के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। मुझे उसका नंबर ही दे दो भाई। अल्लाह से डरे चाचू, आपने मुझ यतीम का हक खाया है। ये गुनाह आपकी दुनिया और आखिर दोनों बर्बाद कर देगा। जो लोग यतीमों का हक खाते हैं ना, वो जहन्नुम की आग में जलते हैं। यहां तो मैं बेबस हूं, आखिरत में मैं बेबस नहीं होंगी, वहां पर आप मेरा हक छीन कर नहीं खा सकते, आपको जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। इशार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे इशार, मुझे माफ। Yeah.